उज्जैन के वार्ड क्रमांक 1 से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार शुभारंभ मालवीय को बनाया है। वार्ड में जनसंपर्क के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकारिणी के मेंबर सहित कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। वार्ड नंबर 1 में करीब 35 से ज़्यादा गांव आते हैं और उज्जैन जिले का सबसे महत्वपूर्ण वार्ड माना जाता है, क्योंकि वार्ड इंदौर और उज्जैन जिले को जोड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभारंभ मालवीय कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में रहकर राजनीति कर रहे हैं और कई पदों पर रहकर जिम्मेदारियाँ भी निभाई है। मंडी में भी चुनाव जीत कर काम किया है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और बताइए, ये शोभाराम जी मालवीय हमारे भारतीय जनता पार्टी समर्थित। किस प्रकार से आप मानते हैं कि आपके वार्ड में अगर आपका उम्मीदवार जीता तो काम होंगे, और क्या मानते हैं? ये सरल व्यवहार, मधुर व्यवहार के कारण से ये लोकप्रिय भी है और जनता के बीच में देखे काम भी करेगा और जनता के दुख सुख में भी साथ देगा, ऐसा हमारा मानना है। सोचते हैं देखो तो क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार की योजना जो है, हमने पहले भी विकास किया है, अब भी करेंगे। हमने पहले जो हर गांव तक सड़क जोड़ने का काम किया है, पानी का जो नर्मदा जी से जो पानी है वो भी लाए हैं, जिसके बाद हमारा पहले शहर गांव से शहर की ओर पलायन होता था, अब गांव शहर से गांव की तरफ पलायन हो रहा है, क्योंकि यहाँ 24 घंटा जो लाइट है यहाँ हमारे गांव में होती है, पहले लाइटें नहीं होती थी, जिसके बाद देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारे हैं वो हर ऐसा कोई गरीब का कोई घर बाकी नहीं रहे। शहर में 2,65,000 रुपये सरकार की ओर से मिलते हैं और सरकार का सोचना है कि 2022 के एंड तक किसी भी कोई भी गांव में कच्चा मकान ना रहे, ऐसी मंशा है। और हर पंक्ति में आखिरी में पंक्ति में बैठा हुआ आखिरी बैठा हुआ व्यक्ति की भारतीय जनता पार्टी उसकी मदद की सेवा के भाव से सोचता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।